यूपी में पांचवें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। लगभग मतदान का एक घंटा बीत चुका है। हम इस समय मौजूद है विधानसभा सिधौली के गांधी इंटर कॉलेज बूथ पे, जो कि ट्रिपल आर पर बेस्ड है। यहाँ पे लगभग मतदान जारी है, लोगों का आना जाना जारी है। यहाँ पे हमारे साथ विधायक सिधौली मनीष रावत जी मौजूद, उनसे जानते हो मतदान कर चुके हैं। विधायक जी मतदान कर चुके हैं जी, बिल्कुल। देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा पर्व है और मतदान प्राथमिकता है। मैं तो सबसे अपील करूंगा, जितने हमारे लोग हैं, आज जो वोट पड़ रहा है 20 तारीख में, सभी लोग पहला काम है मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, क्योंकि इस महापर्व में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं तो मैं देखता हूँ कि अगर हमारा वोट है, हम लोगों का है, कहीं भी है और किसी स्थिति में, जिस बूथ पे हमारा वोट होता है उस पर जाकर मुझे होता है। देखिए, ये उनके लिए बड़े सौभाग्य विषय है और फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे हैं आप, और ये वास्तव में एक बहुत अच्छा फील होता है जब वोट डालते हैं, जब मशीन को दबा के हम बटन दबाते हैं, उसके बाद उसकी आवाज़ आती है और मैं बाहर निकलता हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और वास्तव में देखिए, हर किसी को ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हमें पूरी तरह से हमें वो करना चाहिए। और सभी लोगों से अपील करूंगा, मैं अपील भी करता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग काम को प्राथमिकता देते हैं और कहीं के आज के दिन भी हम लोग कहीं कहीं इधर उधर होते हैं, ऐसा ना करें और डालें आकर के। विधायक जी, जिस बूथ पे आपने मत डाला है, ये ट्रिपल आर पे बेस्ड है जी, मतलब जीरो वेस्ट इवेंट पे बेस्ड है, यहाँ पे आपने डालने का देखा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काफ़ी अच्छा, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। मैंने अभी परचेज भी किया है, जो चीज़ें हमारी पहले घरों गांव बनाई जाती, घरों बनाई जाती थी, हमारे गर्मियों में बैठ बनाते थे, हमने लिया है और काफ़ी अच्छा बूथ, देखिए कितना अच्छा बूथ है और काफ़ी संख्या में वोट भी पड़ रहा है, काफ़ी बेहतर है, एकदम अच्छा चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ सिधौली विधायक मनीष, जिन्होंने वोट डालने के बाद कहा 5 साल बाद ऐसा मौका मिलता है कि हम लोग बटन दबाते हैं तो एक अच्छी सी अनुभूत फील होती है। यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जीरो वेस्ट इवेंट, उसकी भी तारीफ करते हुए विधायक जी ने बताया। सिधौली से कैमरा पर्सन रामनाथ रावत के साथ राजन भार्गव, अभिषेक वर्मा। पहली बार वोट डाला आपने? हाँ जी, लोकसभा में पहली बार वोट डाला। कैसा लगा? वोट डाल के बहुत अच्छा लग रहा है, वोट सभी को डालना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और आज वोट डाला आपने, दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में वही जो आम जनता के जो मुद्दे हैं उसी को लेकर वोट डाला है। क्या रहता है, आप नौयुवक से पहली बार वोट डाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, क्या सोच के डाल? हाँ, कि यही सोच के डाला है कि अब आगे जो जो भी है अच्छा रहे और जो सरकार करे वो और अच्छा करे। वोट डाले ही है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? सबसे पहले जो मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, दूसरा एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है कंट्री में, और जो सबसे बड़ा जो है वो करप्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो मेरा मानना ये है कि एक अच्छी सरकार आए, जिसे मैंने वोट डाला है, तो एक अच्छी गवर्नमेंट बने। जो भी रिप्रेजेंटेटिव मेरे तरफ से यहाँ से खड़े हैं, कौशल किशोर जी हैं या और भी जो भी आर के सिंह है अदर पार्टीज के, जो वो इलेक्ट होकर जाएं तो वो जो लोकल मुद्दे हैं उनको उठाएं, उन पर एक्शन लें, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। अच्छा, ये बताइए, जो वर्तमान सांसद है, इनके कार्यों पर संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ काफी हद तक, लेकिन मुझे लगता है काफी सुधार की जरूरत है। जैसे जो हम लोग जहाँ रहते हैं सिधौली क्षेत्र में, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की अभी भी जरूरत है, तो मुझे लगता है कि उस पर काम करना होना चाहिए। क्या नाम है? स्वाति वर्मा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।